भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अब तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आई हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। एक टीवी एंकर है, न्यूज एंकर है पाकिस्तान की, वो क्या कह रही है, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए, उसके बाद मैं अपना रिप्लाई दूंगी। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना होगा, आप वो वीडियो देखिए। जंग की बात कर रहे थे आप लोग, बातें करते सर्जिकल स्ट्राइक की, आप लोग पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं, तड़ियां लगाते हैं। 65 की जंग आपको याद है? चले कारगिल वॉर याद कर लेते हैं, बहुत पीछे नहीं जाते हैं। जब पाकिस्तान से आप वॉर करने की बात करते हैं, पहल हमेशा आप करते हैं, हम नहीं, हम बात टेबल टॉक से हल करना चाहते हैं। आप लोग टेबल टॉक इसलिए नहीं करते कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। फिर आप लोग जाके सुपर पावर के पैरों में क्यों गिर जाते हैं? जो अभी अमेरिका का सदर होता है, आप उसके पैरों में क्यों गिर जाते हैं कि बस बहुत नुकसान हो रहा है, रोक ले? क्योंकि आप हमारी पाक फौज से डरते हैं, हमारे हौसले से डरते हैं। जो हमारा हौसला है, गजवा बदर में तादाद मुसलमानों की कम थी और काफिरों की तादाद कितनी थी? हमारे पास ऊंट उतने नहीं थे जितने उनके पास थे, हमारे पास तादाद नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था जंग लड़ने के लिए, लेकिन जीत किसके मुकदर में आई? हमारे मुकदर में आई। और पाकिस्तान किस तरह हासिल हुआ? पाकिस्तान का मुतालिबा किस तरह अमल में आया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल हुआ। तो मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, घबराएंगे नहीं, आंखें नोच लेंगे तुम लोगों की। किसको आए दिन तुम लोग तड़िया लगाते हो, धमकियां देते हो? इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगी कि आप गली मोहल्ले में चले जाए, कभी गली मोहल्ले के लोग क्या होते हैं, जिसके तेरे छीदे, गल सुनी जरा। और एक पढ़ा लिखा बंदा होगा जिसका कोई भी नाम होगा, जिस मियां सैफुर रहमान साहब है जी, ब्रिगेडियर रखा तेरे तुरसा मेरे ज्वाइन करने जा रहे हैं, बाद में तारुफ भी करवाती हूँ, तो हम बड़े तरीके से बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, हाउ आर यू डूइंग? हम बात करेंगे मियां सैफुर रहमान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, लेकिन गली मोहल्ले के छीदे होते हैं ना, वो लड़ने पर आ जाते हैं। तू कौन थे, मैं कौन थे, एंज थे, ओंज, आप लोग छीदे बने हुए हैं। आप लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी का आप लोगों को कॉम्प्लेक्स है। आपके भारतीय आर्मी चीफ हैट पहन के फिरते हैं, यकीनी तौर पे अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स है, तभी तो टाइटैनिक की केट विंसलेट बने फिरते हैं। और आप लोग बात करेंगे हमारे बारे में, अंग्रेजी बोलते हैं आप लोग, आप लोग जनता है, उनके कॉमेंट्स पर पढ़ के हम लोग परेशान होते हैं कि वो बात करते हैं कि आप लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे, इंग्लिश नहीं बोल रहे। शुक्र हम इंग्लिश नहीं बोल रहे, शुक्र है हम उर्दू बोलते हैं जो हमारी मादरी जबान है, हमें अपनी मादरी जबान पे बड़ा फखर है। हमें आपकी तरह इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, वो भी स्टाइल में, आई वेंट टू मुंबई लास्ट नाइट एंड एट भेलपुरी, हमें स्टाइल में अंग्रेजी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपके भारतीय आर्मी चीफ उनका हुलिया तो सही करवाए कि भाई साहब आप भारत के आर्मी चीफ हैं, बातें करते हैं आप सर्जिकल स्ट्राइक की, बातें करते हैं आप हमलों की, बातें करते हैं आप जंगों की, और अपने आपने जो अपने हुलिया बनाया हुआ है, एटलीस्ट आप भारत के आर्मी चीफ तो दिखें। तो आप लोग छीदे बने फिरते हैं आप लोग। मैडम जी, खातून जी क्या कह रही हैं? खातून जी जंग की बातें कह रही हैं। खातून जी कह रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और जंग की बातें से उन्होंने अपना बात शुरू किया है। और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं करना चाहती मैं, 1971 में जो लाहौर में हुआ था, लग रहा है खातून जी वो भूल गई हैं। खातून जी को वो याद दिलाना पड़ेगा कि हम लाहौर तक पहुँच चुके थे, उनके घर के अंदर तक जाने के बाद भी हमें लाहौर, हमें उन्हें मुफ्त में दे के आए थे, खारात में दे के चले आए थे उन्हें लाहौर, आज वो हमें बोलने चली आई। लग रहा है खातून जी भूल गई हैं वो सब चीज़ें, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। और आपने क्या कहा, पहल हमेशा भारत करता है, पाकिस्तान शांति अमन की बात करता है। वाह मैडम वाह, पहल हमेशा हम करते हैं और आप शांति अमन की बात कर, शांति अमन की बात करती हैं। और क्या कहती हैं, इंडिया के पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बात नहीं करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता। अगर सब बातें छोड़ी दी जाए तो मुझे ये बताइए कि जो अभी पुलवामा में हुआ, जैश ए मोहम्मद लोग, जैश ए मोहम्मद की जो पूरी संस्था थी, उन्होंने क्यों मान लिया कि उन्होंने ये किया है? और मुझे ये बताइए, जैश ए मोहम्मद कहाँ का रहने वाला है? आप खुद आतंकवादियों को पालती हैं और हमें कहती हैं कि हम शांति अमन से नहीं रहना चाहते, हम शांति अमन से नहीं रहना चाहते। मुझे आप ये बताइए कि किस देश के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं? अपने आस पड़ोस के साथ भी आपने गद्दारी की है, आप जैसे लोग ही ना दूसरे को परेशान करते हैं और खुद उनसे परेशान हो जाते हैं। और आप कह रही हैं कि हम पाकिस्तानी सेना से डरते हैं, फिर दूसरा पाकिस्तान और हम उससे डरते हैं? मैडम, अगर पूरे हिंदुस्तान का एक एक इंसान ना पान खा के भी अगर आपके यहाँ चले जाए तो पान की नदियाँ बहने लगेंगी, और आप हमें कह रही हैं हम डरते हैं पाकिस्तानी सेना से? ये सब बातें हटा दीजिए, बस आप मुझे इतना बताइए कि जो अभी कल हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आप लोग आतंकवादियों को पनाह देती हैं और खुद उससे परेशान होती हैं। हमने सफाई की है आपके घर में, जो कचरा आपने पाल के रखा था, जिससे आप खुद परेशान हो रही थी और दूसरों को भी परेशान कर रही थी, ठीक है? हमने कल हमने जो किया है वो बात आप याद रखिएगा, ठीक है? अब अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारी 12 विमान गई थी
बारह मिजार बारह जो गई थी उसमें आप 1,000 विस्फोटक से आपके 300 से 350 आतंकवादियों को हमने मारा है, आपके यहाँ सफाई की है, ठीक है। आपने जो आतंकवादियों को पाल दिए थे, आपके दुश्मन भाइयों को मार के हमने आपकी सहायता की है, ये जो हमने सहायता की है ना उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। आप बोल ही रहे हैं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ नुकसान नहीं किया, बस खाली 10 पेड़ नुकसान हुए। मुझे पता था, जो ना खुद चोरी करता है वो यही कहता है कि मेरे घर में कुछ चोरी हुई नहीं। आप लोग चोर हैं, बेईमान हैं और गद्दार हैं, ठीक है। और हमें, हम पे उंगली उठाने से पहले ना आप पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए, ठीक है। आपने क्या कहा कि इंडिया वाले लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे आए, यहाँ पे, और डर के मारे भागने लगे तो उन्होंने बम, वो लोग कुछ बम गिरा के चले गए। मैडम ये जो हमने किया है ना वो इतिहास में अंकित हो चुका है, ठीक है। और दोबारा ये मत बोलेगा कि हम पाकिस्तान की सेना से डरते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पाकिस्तान हम डरेंगे, हमारा खाली यूपी पहुंच जाए ना तो आपके पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा, ठीक है। और आप दोबारा ऐसी बातें ना कीजिएगा। और क्या बातें की, हमें बोलने की तमीज़ नहीं है, हम तू तू मैं करते हैं। और आप बड़ी तरीके से बात करती हैं, तहजीब की बात कर रही हैं आप। वाह रे तहजीब, खुद आतंकवादियों को पालते हैं और दूर और सब देशों को परेशान करते हैं, यही आपकी तहजीब है। अपने तो शांति से रहते नहीं और दूसरे की शांति को भंग करते हैं। मैडम हमारे जो जवान मरे थे ना, हमारे जो 42 जवान मरे थे उसका बदला हमने 300 से लिया है, ठीक है। दोबारा ना कहना कि पाकिस्तानी सेना से डरते हैं, एक को मारोगे तो 100 को मारेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और ये पाकिस्तानी मैडम जो हैं वो कहाँ से दलीलें ले आती हैं, आपको पता है तो मुझे भी ज़रूर बताइए। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।